हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, विद्या ज्ञान का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था सेकंड स्टेज का, उसका रिजल्ट आ गया है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अजय कुमार जी, आप देख सकते हैं इनका नाम है दोस्तों अजय कुमार पुत्र श्री देवी राम पुत्र श्री छत्रपाल जी। इनका इस परीक्षा में चयन हुआ है और इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई इस भाव के साथ कि इनका अंतिम चयन विद्या ज्ञान की परीक्षा में हो। क्योंकि दोस्तों, अभी अजय जी को जाना है बुलंदशहर में अपने गार्जियन के साथ और सारे अपने प्रमाण पत्रों के साथ, यानी अपना पूरा प्रवेश पत्र लेके कक्षा 3, 4, 5 की इनको मूल अपनी अंक तालिका ले जानी है, यानी इनको अपनी मार्कशीट अपने ओरिजिनल फॉर्म में ले जानी है। कक्षा 5 की इनको टीसी ले जानी है। इनको अपना निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जो राजस्व विभाग द्वारा जारी हुआ है वो 6 माह से पहले का ना हो, इसको लेके जाना है। साथ में इनके मम्मी या पापा में से किसी एक को वहाँ पे जाना है और उसके बाद एक सहमति पत्र देना है, एक अप्रूवल देना है कि विद्या ज्ञान जो भी मेडिकल बोर्ड गठित करेगा हम उसको अप्रूव करते हैं, उस पे हम एग्री होते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो एक प्रकार से इनको उस पे सिग्नेचर करना होगा। तो अजय जी का ये लेटर है और ये एसके महेश्वरी परियोजना निदेशक हैं विद्या ज्ञान स्कूल, इन्होंने जारी किया है। पंजीकृत डाक से आया है, आप डेट भी देख सकते हैं 7 मार्च 2020 को अजय जी ने लेटर, ये अजय जी को प्रेषित हुआ है वहाँ से, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से। तो इसके माध्यम से समस्त जो भी होनहार बच्चे इसमें चयनित हुए हैं उन सभी को बधाई और शुभकामनाएं। शैक्षिक वर्ष 2020-21 हेतु आपके होनहार का विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया के अगले चरण में सम्मिलित होने की ये सूचना है। आगे चलते हैं, एक एक चीज़ थोड़ा विजिबिलिटी कम है क्योंकि अजय जी ने इसको व्हाट्सएप पे मुझको भेजा है, बट मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसे रीड कर आपके सामने प्रेजेंट करूँ। आपके होनहार द्वारा विद्या ज्ञान स्कूल में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षाओं में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त कर अगले चरण हेतु अभिज्ञात अभ्यर्थियों ने अपना विशिष्ट स्थान अर्जित किया है। दूसरा बिंदु कहता है कि शिवनादर फाउंडेशन द्वारा स्थापित विद्या ज्ञान स्कूल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के मेधावी एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 12 तक उच्च कोटि की विश्व स्तरीय उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा योग्य प्रशिक्षित तथा अनुभवी शिक्षकों द्वारा CBSE पाठ्यक्रम अंतर्गत प्रदान की जाती है। विद्या ज्ञान स्कूल में शिक्षा, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, पुस्तक, क्रीड़ा तथा चिकित्सा सहित समस्त सुविधाएं नितांत निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। विद्यार्थियों को इस साल वर्ष की अवधि से ही CBSE पाठ्यक्रम कि अकादमिक शिक्षा तथा विभिन्न श्रेणी की नेतृत्व की क्षमता, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि एथलीट और ये जो भी भौतिक कार्यकलाप होता है, कुल मिला के सर्वांगीण विकास के लिए इनका प्रयास रहता है। ये अपने एकेडमी के बारे में कह रहे हैं, थोड़ी विजिबिलिटी कम है लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो इनका मैसेज है उस मैसेज को आप तक संप्रेषित कर सकें। तीसरा बिंदु कहता है कि विद्या ज्ञान नेतृत्व अकादमिक एवं शैक्षिक हेतु कठोर दैनिक दिनचर्या निर्धारित होती है जिसका निरंतर एवं सतत मूल्यांकन किया जाता है और विद्यार्थियों को कुशलतापूर्वक सफल होना आवश्यक है, अन्यथा सतत एवं निरंतर मूल्यांकन के परिणाम एवं अकादमिक समिति की संस्तुतियों के अनुसार विद्या ज्ञान स्कूल में उचित स्तर पर अग्रिम अध्ययन से ड्रॉप किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया तो यही आपका नहीं है कि आप अब आपका जो है लक्ष्य निर्धारित हो गया, आपको एक निश्चित स्कोर दोस्तों यहाँ पे लाना होगा, नहीं तो अगर आप अच्छा अचीव नहीं करेंगे तो आप वापस भी बैक हो सकते हैं क्योंकि इनकी कमेटी है वो रिकमेंड करेगी और आपको ड्रॉप किया जा सकता है। चौथा बिंदु कहता है, अतः लिखित परीक्षाओं के परिणाम के पश्चात परस्पर संवाद
अब आपने परीक्षा पास कर ली, अब पर्सनल आपका डिस्कोर्स होगा, शपथ पत्र और विस्तृत चिकित्सा परीक्षण है तो चिकित्सा परीक्षा संबंधी सहमति। अब आप यहाँ से जाएंगे, जो भी बच्चे जाएंगे वहाँ पे जिस स्कूल में इनको लेटर इशू हुआ है वहाँ पे एक म्यूचुअल डायलॉग होगा, वहाँ पे बातचीत होगी आपसे, आपका जो है बातचीत किया जाएगा, आपके गार्जियन जाएंगे, वो शपथ पत्र देंगे। किसका शपथ पत्र देंगे? एक विस्तृत चिकित्सा परीक्षण हेतु वो अपना अप्रूवल देंगे, यानी अपना एग्रीमेंट देंगे, हे चिकित्सा परीक्षण संबंधी सहमति। शपथ पत्र एवं चिकित्सा सहमति का प्रारूप दोस्तों संलग्न है का, इसे अध्ययन कर अन्य की सहायता से समझ एवं विचार कर इस पृष्ठ के पीछे वर्णित के अनुसार विद्यार्थी को परस्पर संवाद, विस्तृत चिकित्सा परीक्षण तथा मूल अभिलेखों के साथ विद्यालय प्रांगण में भेजने का कष्ट करें। मूल अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के उपरांत ही विद्यार्थी को विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश प्राप्त हो सकेगा। तो दोस्तों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, तत्पश्चात ही आप स्कूल में प्रवेश पाओगे। इसलिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो एडमिट कार्ड हो, चाहे कक्षा 3, 4, 5 का जो है मार्कशीट हो, चाहे कक्षा 5 की TC हो जिसमें जन्म तिथि लिखनी बहुत बहुत ही ज़रूरी है, जन्म तिथि लिखी हो, राजस्व विभाग ने जो भी आपके जो है इनकम सर्टिफिकेट जारी किया हो, मदर फादर का जो परिवार का इनकम सर्टिफिकेट है जो भी जारी हुआ हो वो 6 महीने से अधिक पुराना ना हो, 6 महीने के अंदर ही हो। और उसके अलावा आप जानते ही हैं कि जन्म तिथि का प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपने रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया है, किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र भी लेके जाएंगे, लेकिन ज़रूरी यही है कि 6 माह से पुराना ना हो। तो कृपया यह भी अवगत हैं कि विद्याज्ञान प्रांगण में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति की रात विश्राम की व्यवस्था नहीं है, और साथ आए अभिभावक या अभिभावकों को उन्हें उसी संध्या को 5 बजे तक वापस लौट जाना होता है, शुभकामनाओं सहित। तो बच्चों आप जान लो कि आपके मम्मी या पापा चाहे दोनों साथ चले जाएं, बट आपको होना क्या है कि आपको मम्मी पापा को शाम को वहाँ से लीव हो जाना है, छोड़ देना है। इसके साथ आप मानसिक रूप से तैयारी करके जाइए। खैर अच्छी जगह है और अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको खुशी होनी चाहिए क्योंकि आप बेटर करने जा रहे हो, तो इसका आपको मलाल नहीं होना चाहिए। घर से अटैचमेंट आपको तो छोड़ना पड़ेगा कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो। अभिभावकों के लिए आवश्यक सूचना दोस्तों यहाँ क्या है? यहाँ ये है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्याज्ञान प्रारंभिक परीक्षा 24 नवंबर 2019 हेतु विद्यार्थियों को निर्गत जो प्रवेश पत्र है उसे आप लेके जाना, साथ में आपको बच्चों लेके जाना है वो प्रवेश पत्र, जो भी आपका एडमिट कार्ड रहा है जिसके ग्राउंड पे आपने एग्ज़ाम दिया है उसको आपको लेके जाना है। दूसरा है TC स्थानांतरण प्रमाण पत्र, TC जिस परिषद या सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय से किए है, कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसमें जन्म तिथि प्रदर्शित होनी चाहिए, लाना आवश्यक है। राजस्व विभाग द्वारा निर्गत जैसे परिवार का आय प्रमाण पत्र मैंने बताया, अधिकतम 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। राजस्व विभाग द्वारा निवास प्रमाण पत्र साथ में लाना आवश्यक है। विद्यार्थी की 4 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, अभिभावक यानी माता और पिता की 2-2 पासपोर्ट साइज, आप ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जानी है। 4 बच्चे की रहेगी, 2 किसकी रहेगी, अभिभावक माता और पिता, मम्मी और पापा दोनों की 2-2 फोटो आप ले लेना, 2-2 मम्मी पापा की लगेगी और 4 किसकी लगेगी, बच्चे की। विद्यार्थी के संबंध में पूर्व में संपन्न टीकाकरण विवरण, जो भी आपको टीका लगा है यानी जब से आप पैदा हुए हो तो मम्मी ने आपके टीके लगवाए होंगे, जो भी आपको टीके लगे हैं वो मम्मी अच्छे से जानती है, उसका टीका का एक कार्ड होता है अस्पताल से मिलता है, तो जो भी टीके लगे हैं, जो भी आपकी दवा वगैरह हुई है, जो भी आपका मेडिकल का हिस्ट्री है उसको आपको लेके साथ में जाना आवश्यक है। यदि विद्यार्थी किसी गंभीर बीमारी जैसे कि इसमें मिर्गी या श्वास संबंधी बीमारी से है तो उपचार संबंधी विवरण प्रमाण पत्र के साथ लेके जाना आवश्यक है। कोई भी आपका बीमारी अगर आपको हुई है तो उससे कोई भी बीमारी के से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं यानी डॉक्टर के पर्चे या जो भी आपके चेकअप्स हुए वगैरह हुए हैं उसको आपको साथ लेके जाना है। पहने हुए 1 जोड़ी कपड़े के अतिरिक्त केवल 1 जोड़ी कपड़े ही साथ में, जो 1 पहन के जाओगे उसके अलावा 1 जोड़ी कपड़े और साथ लेके जाना बस।
विद्यार्थी के लिए रखने के लिए कोई भी सामान, नकदी, मोबाइल फोन आदि ज्वेलरी प्रतिबंधित है। तो आप मोबाइल या किसी भी प्रकार का ज्वेलरी और नकदी यानी कैश वगैरह वहाँ पे अलाउड नहीं है। अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने पाल को विद्या ज्ञान विद्यालय में पहुँचाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि पाल के नाखून एवं बाल तो साफ सफाई से जाना। कुल मिला करके फोकस ये है कि सफाई से जाओ, बाल वगैरह अच्छे से कटे हों, नेल्स वगैरह कटे हों। बालक को विद्यालय में पहुंचाने के लिए माता पिता में से कोई एक बाल तथा कोई एक बालिका को विद्यालय पहुंचाने के लिए आप मम्मी या पापा में से किसी एक बंदे को जाना है, ये कोशिश कर लीजिए। विद्यार्थी के अतिरिक्त सूटकेस, अटैची, ये बक्सा, हैंड बैग आदि लाने की अनुमति नहीं है। विद्यालय पहुँचने की तिथि देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप देख लो। ये अजय जी का है, अजय जी का बुलंद शहर में है और अजय जी को कब जाना है, अजय जी का पूरा दिया गया है। 6 अप्रैल को अजय जी को जाना है और अजय जी जाएंगे 6 अप्रैल को बुलंद शहर जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको, अजय जी अब जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये 6 अप्रैल 2020 सोमवार को इन्हें जाना है और प्रातः 7 बजे इन्हें पहुँचना है। यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, कैसे जाएंगे ये पूरा मैप बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यह प्रारूप यह है कि विद्या ज्ञान चिकित्सीय परीक्षण संबंधी सहमति पत्र देना है। चयनित विद्यार्थी के माता या पिता या संरक्षक द्वारा विद्या ज्ञान चिकित्सा परीक्षण के संबंध में प्रदान किए जाने वाले सहमति का प्रारूप। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे चूंकि विद्या ज्ञान का जब सिलेक्शन आपका हो ही गया है तो उनका जो बोर्ड है, मेडिकल एक बोर्ड उन्होंने बैठाया है, वो पूरा चेकअप करेंगे आपका। जो भी उनको, जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो पैथोलॉजी में आपका चेकअप होता है, वैसे ही उनका मेडिकल बोर्ड होगा। वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड मेडिकल बोर्ड होते हैं, उनके अपने डॉक्टर्स होते हैं, कहीं कोई ऐसा बात नहीं है। केवल देखना ये है कि कोई गंभीर बीमारी से आप पीड़ित ना हो। लेकिन ज़रूरी क्या है कि मम्मी या पापा या संरक्षक, गार्जियन जो भी हैं, विदाउट उनके अप्रूवल के वो जो है कोई भी चेकअप होना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, मैं यानी जो फादर रहेगा अपना नाम लिखेगा, पुत्र जिस बाबा मतलब अजय जी का क्या रहेगा, फादर का नाम रहेगा, फिर बाबा जी का नाम रहेगा, निवासी जहाँ भी अजय जी निवासी हैं, बुलंद जहाँ बदायूं के निवासी हैं, विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश 2020-21 हेतु नियत लिखित परीक्षा के उपरांत शॉर्ट लिस्टेड विद्यार्थी अजय कुमार का नाम रहेगा, कि पिता माता या संरक्षक हूँ या घोषणा करती हूँ। तो ये जो फॉर्म भरना है इसको उनके अजय के मम्मी या पापा में से कोई एक जो जाएंगे साथ वो अपना भरेंगे इसको। या मैंने चिकित्सा परीक्षण संबंधित विवरणी का समस्त सामग्री तथा समस्त नियमों एवं शर्तों एवं उसमें विद्या ज्ञान प्रवेश प्रक्रिया के विभिन्न प्रभावों को मुझको मेरी अपनी आंचलिक भाषा में पढ़कर यानी समझ लिए हैं। मैं एतद् द्वारा सहमत प्रदान करता हूँ कि यदि मैं चिकित्सा परीक्षण से संबंधित विवरणिका की समस्त सामग्री तथा उसमें दी गई समस्त नियमों एवं शर्तों उसमें दिए गए विभिन्न प्रभावों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ और मैं इसका पूर्ण रूप से पालन करूँगा। यही कि मुझे विद्यालय विद्या ज्ञान के द्वारा गठित किए गए चिकित्सा बोर्ड द्वारा मेरे आश्रित के संबंध में किए जा रहे चिकित्सीय परीक्षण से कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं है। अगर मान लीजिए परीक्षण वो लोग करते हैं और किसी भी एंगल पे अगर उनको ये पाया जाता है कि यहाँ देखिए आगे लिखा है, मैं ये घोषणा करता हूँ मेरा आश्रित चिकित्सीय रूप से पूर्णतः स्वस्थ है तथा विद्यालय की विवरणिका में अंकित किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित नहीं है। एक तो ये दिखाना है, अगर मान लीजिए बीमारी से पीड़ित है तो उसका ऑप्शन देना है। यहाँ दिया गया है सारी चीज़ें, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लो, जो लागू ना हो उसे काट दें। और यहाँ पर हस्ताक्षर विद्यार्थी आवेदक के संरक्षक, दिनांक डालना है, स्थान डालना है और जो भी गार्जियन मम्मी पापा हैं उसको यहाँ पे उनको सिग्नेचर करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। विद्या ज्ञान में सफलता पाए हुए अजय जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, आप इस अंतिम चरण में भी सफल हों ऐसी शुभकामनाएं हैं। और सारे दर्शकों और श्रोताओं को भी शुभकामनाएं जिनका अंतिम रूप से चयन हो गया है, यानी कुल मिलाकर के विद्यालय जाने कि उनकी मुहिम तय हो गई है। आप सभी जाएं विद्यालय में अपना एडमिशन लें। आपको ढेर सारी शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।